आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बनिया खेड़ा स्थित असालत नगर कलीजपुर गांव पहुंचा। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गाँव के प्रधान नरेश कुमार है, जिन्होंने अपने गाँव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। बात अगर गाँव में शिक्षा की करें तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल नदारद ही दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं में लगभग 185 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों को ग्राम प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों को मुहैया कराया जाता है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि वर्तमान प्रधान ने गांव में 23 हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं 52 बिजली के पोल व 1 बिजली का ट्रांसफार्मर गाँव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से लगवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण करवाया गया है, वहीं सोलर लाइटें स्ट्रीट लाइटें का निर्माण भी करवाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों का आवंटन पात्रों को किया जा चुका है। गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से गांव में शौचालयों का निर्माण करवाकर भी पात्रों को आवंटित किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पंचायत भवन, बारात घर व जूनियर हाई स्कूल का निर्माण करवाएं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी से न जूझना पड़े। प्रधान असालत नगर कलीजपुर नरेश कुमार निवासी सीसी टाइल एक विकास कराया है, आवास बनी है। नरेश कुमार ग्राम प्रधान असालत नगर कलीजपुर विकास बनिया खेड़ा तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद। सीसी टाइल मैन सीसी सोलर लाइट सीजल लाइट आवाज ये विकास कराया, स्कूल में काम चल रहा है, बाउंड्री का शौचालय का और ये काम मैंने कराए हैं, आवाज भी बनने हैं, शौचालयों का काम चल रहा है और हमारी मांग है नल, शमशान और बारात घर, आंगनबाड़ी के अंदर नहीं है और पानी के, हमारे गांव में आंगनबाड़ी के अंदर होना चाहिए, बारात घर होना चाहिए, इनकी ज़्यादा दिक्कत है और जो है पानी की ज़्यादा समस्या है, ये अंदर से पानी आता है नाला बीच गांव में को है, ये होना चाहिए और सरकारी नल होनी चाहिए, सब शमशान जो है होनी चाहिए, लेके जाते हैं बारिश में कहाँ जलाएं, ये बहुत प्रॉब्लम है, पंचायत घर नहीं है, ये हमारी गाँव में होना चाहिए, ट्रांसफार्म नहीं है, ये ट्रांसफार्म है वो फूक जाता है बार बार, ट्रांसफार्म की दो की वो होनी चाहिए, खंबा कम है। वहीं ग्रामीणों ने बोले उन्होंने बताया कि उनके गांव में स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री द्वारा आवास मिला है हमें, ग्रामवासी श्याम बाबू असल का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास करा रहे हैं।